हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। होप सब सही हो। पहले मैं कह दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। आज के वीडियो पे आते हैं। आज का वीडियो मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे अपना न्यू एक्सपीरियंस और न्यू लाइफ शेयर करने के लिए, एक्चुअली आपसे इंटरेक्ट करने के लिए आप लोगों से आज का ये वीडियो बनाया है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो टीचर हैं वो आज आपको मैं उनका प्रोडक्ट दिखाऊंगी और काफ़ी लोग समझ जाओगे कि मेरे टीचर कौन है। तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ एज ए हेना आर्टिस्ट मेरा फर्स्ट स्टेप। और एक्चुअली ये स्टेप बहुत बड़ा है, मैंने उठाया है अपने से हेना पेस्ट बनाने का। तो उसमें मदद मेरी जो मैडम है वही कर रही है और मैंने उन्हीं का जो है प्रोडक्ट लिया हुआ है। ये हेना आर्टपैशन हेना पाउडर है, राजस्थानी हेना पाउडर है और ट्रिपल फिल्टर है। हम लोग हेना आर्टिस्ट जो होते हैं उन लोगों को मैं बता दूँ, हम लोग हमेशा जब घर में पेस्ट बनाते हैं तो राजस्थानी पहला तो, और दूसरा बॉडी आर्ट स्टाइल जो पैकेट में अभी आ रहा है तो वो बॉडी आर्ट स्टाइल अगर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं बेझिझक। और उससे भी बड़ी बात, ये ट्रिपल फिल्टर्ड है और इसमें बहुत सारी फीचर्स है। और ये 100 ग्राम्स का मैंने पैकेट ख़रीदा है और मुझे इसका कॉस्ट पड़ा है टोटल 130 रुपीज़, और शिपिंग चार्ज मिला के मुझे 70 रुपीज़ और देना पड़ा और ये टोटल आ गया मुझे 130 रुपये का। सो टोटल 200 रुपये आया है, मतलब 70 रुपये मुझे शिपिंग चार्ज अलग से देना पड़ा था। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी हेना आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। खुद से मेहंदी बना के किसी के हाथ में लगाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब मैं अभी आ चुकी हूँ लाइन पे तो मुझे लगा कि लोगों को बेहतर चीज़ देना मुझे पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं आई हूँ। जब मैं किसी को मेहंदी लगा रही हूँ तो मैं अपना यही वाला कोन लगाऊंगी। स्पेशली मैंने जो ब्राइड्स होते हैं उनके लिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का जो है पाउडर है और इसी वजह से इसको ख़रीदना। मैंने डेमो पहले ही देख चुकी हूँ, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तो ये मेरे नज़र में था। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसको मैंने अपने अर्निंग से, पहली अर्निंग से ख़रीदा था, तो ये एक और स्पेशल बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो काम शुरू किया है उसी काम के थ्रू मुझे जो पैसे मिले उसी से ख़रीदा। और इसकी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसे ही सील किया हुआ है। और यस, ये राजस्थानी जो मेहंदी आती है, मेहंदी पाउडर आते हैं, हिना पाउडर वही है। और इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी और इसकी ये वाली पैकेज भी कभी काफ़ी थिक है, क्योंकि क्या है कि इसमें एयर लग जाता है तो ये हो सकता है ये क्लॉट हो जाए। और इसके जो ऊपर का जो पेपर था उसमें लिखा भी हुआ है इसको सूखे और ठंड जगह पे रखने के लिए, ज़्यादा गर्म जगह पे ना रखा जाए। तो इसीलिए मैं आज आपसे इतना सब कुछ शेयर कर रही हूँ। और मैंने इस पैकेट को जस्ट थोड़ा सा काटा आप लोगों के साथ, वो पाउडर कैसा है शेयर करने के लिए, तो मैं जस्ट चेक करना चाहती हूँ आप ही लोगों के सामने। ये पहली बार खुला है, मैंने जब आया था तो प्लास्टिक से निकाला था मगर काटा नहीं, क्योंकि आपको दिखाना चाहती थी। और अभी जो पाउडर है मेरे हाथ पे है एंड इट्स रियली रियली वेरी फाइन टाइप ऑफ हेना
पाउडर। मैंने पहले भी जो हमारे बाज़ार में जो नॉर्मल आता है उसको देखा था, और ये उससे काफ़ी फाइन है। मतलब जो हेना, जो नुपुर हेना वगैरह आते हैं, वो जिस कैटेगरी के आते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा फाइन है। और ये ट्रिपल फिल्टर मतलब छाना हुआ बहुत बेहतर तरीके से। तो ये बहुत उड़ रहा था तो मैंने ज़्यादा इसको खुला नहीं छोड़ा, और इसको मैंने बंद करके रख दिया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी मुझे ये चीज़ मिला, और मैं इसको यूज़ करूँगी जब पेस्ट बनाऊँगी तो आप लोगों से शेयर भी करूँगी। और मैं आप लोगों को यही बोलने के लिए आज का ये वीडियो, आप लोग अगर हेना आर्टिस्ट हो तो प्लीज़ इसको ख़रीद सकते हो बेझिझक। तो होप आप लोगों को आज का ये वीडियो और प्रोडक्ट का रिव्यू पसंद आया होगा। तो आप लोग चाहे तो इसको ज़रूर ख़रीदिए, यूज़ कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग अपना हेना पेस्ट कैसे बनाना चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं, नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।